रंजिश के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। कड़गर क्षेत्र के दौड़बाग ग्राम में आज सुबह पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की इस वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। वहीं मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें गाँव में दबिश दे रही है। कड़गर क्षेत्र के ग्राम दौड़बाग में सुबह सवेरे पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को सरेराह गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि दो पक्षों के विवाद में बीते वर्ष एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोप में मृतक आमिर भी नामदर्ज था और जेल से जमानत पर बाहर आया था। मृतक के भतीजे के अनुसार आज सुबह दूसरे पक्ष के लोगों ने आमिर को अकेले पाकर दबोच लिया और उसकी गोली मारकर सरेराह हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्राम में आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने मौके वारदात पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। वहीं मृतक के परिजनों से पुलिस ने बात करके जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया। पुलिस के अनुसार पुराने रंजिश के चलते हत्या हुई है और मृतक के परिजनों द्वारा की गई तहरीर पर कार्यवाही की जा रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगा दी गई है। सर, इस मामले का हमें कुछ पता नहीं। यहाँ पर किसी की हत्या हुई है, फायरिंग हुई है, गोली चली है तो बताओ। फायरिंग हुआ तो निकल के घर में जाया हूँ बाहर। अच्छा, कितने लोगों को गोली लगी है? एक के लगी है इसके, अमीर हुसैन के। उसकी हालत क्या है? हालत का तो सर मुझे नहीं पता, हालत क्या है उसकी, सर को ले गए उसे। कुछ पता चला कि अभी बात था पहला? ना सर, हमें नहीं पता है, हमने रंजिश का हमें पता ही नहीं। सीधे साधे आदमी हम, कमाने खाने से भी घर में बैठे, तभी शराब में। आपके कौन लगते हैं जिसकी गोली लगी है? ना हमारे गांव बस्ती के तो सभी हमारे चचा ताऊ भैया बहन सब लगा है, वैसा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई भी ना मानने वाला ना मानने वाला। गांव के रिश्तेदार जी। ये दौड़बाग गांव है कटगर थाना क्षेत्र में। यहाँ पे सुबह सूखे मिली थी, यहाँ पे आमिर नाम का व्यक्ति है, पिता का नाम कलो है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस पहुंची है यहाँ पे, अभी जानकारी जुटाई जा रही है। जो अभी तक की जानकारी मिली है, ये घटना घाटी नीचे कर ली है बजे की है। इसमें ये जो मृतक है और उसके जो भाई है, ये लास्ट ईयर 2019 में मर्डर के केस में जेल गए थे और अभी मृतक और उसका एक भाई इसमें जमानत पर है। और जो संभवतः अभी तक पता चल रहा है कि उस केस में जो वादी पक्ष था उनके द्वारा ये घटना पारित की गई है। अभी तहरीर की जा रही है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जानकारी और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है उसमें पूरी करी जाएगी। इनमें जो एक व्यक्ति है उसकी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवा दी गई है। बाकी फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर आई है, भिजा चुके हैं और हमारी जनरेशन में काम सर गिरफ्तारी हुई है। अभी सारी जानकारियाँ ली जा रही है, इसमें जितने भी नाम आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है। ठीक है।